जे सी आर टी के डी जी स्कूल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम गणेश कुमार है और मैं आपके सामने आज क्लास 8 के विज्ञान से पाठ 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार आप सभी लोग इस चैप्टर को जरूर अच्छी तरह से पढ़ लें। इस चैप्टर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देखिए। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है और ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, ए केवल ऊष्मीय प्रभाव, बी केवल रासायनिक प्रभाव, सी केवल चुंबकीय प्रभाव, डी उपर्युक्त तीनों प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा जो है वो ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त तीनों प्रभाव। देखिए, जो ग्रीन कलर से हाइलाइटेड है वही इसका सही उत्तर है। चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है और आपके सामने ऑप्शन है, ए नींबू का रस, बी नल का पानी, सी सिरका और डी आसुत जल। तो देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है अर्थात वैसा घोल हमें चुनना है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पहला है नींबू का रस, वह तो अम्लीय होता है, उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। बी नल का पानी, नल के पानी से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सी सिरका, सिरका एक प्रकार का अम्ल है, इससे भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। डी आसुत जल, आसुत जल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आसुत जल। चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, तीसरा प्रश्न है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और आपके सामने कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है, ए संक्षारण, बी विद्युत लेपन, सी विद्युत अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक धातु पर दूसरे इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विद्युत लेपन। चलिए हम लोग अब देखते हैं चौथा प्रश्न। आप देखिए स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न है, लोहे से बने पुलों को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है और आपके सामने कौन कौन सा ऑप्शन है, ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी जिंक और डी यूरेनियम। देखिए, लोहे से बने पुलों को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर एक दूसरे धातु का लेपन किया जाता है और वो जो दूसरा धातु है वो होता है जिंक, मतलब लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाते हैं, इससे क्या होता है उस लोहे पर जंग नहीं लगता है। इसका सही उत्तर होगा सी जिंक। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है और आपके सामने ऑप्शन है, ए 1:2, बी 2:1, सी 4:3 और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 2:1। अब आप कहेंगे कि 2:1 होता कैसे है। देखिए, पानी जिसको हम लोग वाटर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो H2O होता है। तो H2 में 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है, मतलब जितना भी इसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, उसका 2 भाग जो होगा वह हाइड्रोजन होगा और 1 भाग जो होगा वह ऑक्सीजन होगा। तो इसलिए हम लोग अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2:1, मतलब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग हो जाएगा उसका ऑक्सीजन। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन से किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके सामने कौन कौन सा ऑप्शन है आप देखिए, ए टाइटेनियम, बी थोरियम, सी क्रोमियम और डी यूरेनियम। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा
कि बहुत सारी ऐसी धातु की चीज़ें होती है जो चमचमाती है, जैसे साइकिल की घंटी, हैंडल या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सभी पर क्रोमियम की एक परत चढ़ी होती है जिससे कि वो बहुत चमकीली दिखाई पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, क्रोमियम। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर। जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? और ऑप्शन कौन कौन सा है आपके सामने? ए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, बी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, सी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब किसी विलयन में अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उस विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है मतलब नए पदार्थ बनते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है कि बिजली का काम करते समय बिजली मिस्त्री हाथों में रबर के दस्ताने क्यों पहनता है? और आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है क्योंकि रबर सस्ता होता है, बी, क्योंकि रबर सुंदर दिखता है, सी, क्योंकि रबर विद्युत का कुछ अलग होता है, और डी, क्योंकि इसको पहनने से काम जल्दी होता है। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि रबर जो होता है वो विद्युत का कुछ अलग होता है, उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो जो व्यक्ति उस रबर के दस्ताने को पहनेगा उस व्यक्ति के हाथों में बिजली का झटका नहीं लगेगा, इसलिए बिजली मिस्त्री काम करते समय रबर के दस्ताने पहनता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नवां प्रश्न देखते हैं। तो नवां प्रश्न क्या है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है? अर्धचालक, अतिचालक, सुचालक और कुचालक। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कुचालक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कुचालक। दसवां प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न क्या है? विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? और ऑप्शन क्या क्या है? एक, दो, तीन और चार। तो विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, इसका सही उत्तर होगा बी। अब देखिए दो कैसे होते हैं। तो अगर कोई हम विद्युत सेल बनाते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि इस तरह का ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड का साइन होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सेल में दो टर्मिनल हुए, एक पॉजिटिव यानी कि धन टर्मिनल और एक नेगेटिव यानी कि ऋण टर्मिनल। अगर हम इसको संकेत में दिखाते हैं तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से दिखाते हैं तो जो लंबी रेखा होती है, लंबी लाइन होती है, वह पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी और मोटी लाइन होती है वह नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। ग्यारहवां प्रश्न चलिए देखते हैं। ग्यारहवां प्रश्न क्या है कि जब किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और वह विलयन आयनों में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ऑप्शन कौन कौन सा है? ए, संक्षारण, बी, विद्युत लेपन, सी, विद्युत अपघटन, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, विद्युत अपघटन। थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। तो जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और वह विलयन आयनों में टूट जाता है, आयनों का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि वह नमक का विलयन होगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो वह नमक का विलयन होगा। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह नमक का जो विलयन है यह अपने आयनों में टूट जाएगा, मतलब सोडियम आयन और क्लोरीन के आयन में टूट जाएगा। तो ये जो सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूटने की प्रक्रिया हुआ, इसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह H+ और SO4- आयन में टूट जाएगा। तो इस घटना को भी हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न अब देखिए, विद्युत लेपन की क्रिया में इच्छित धातु की परत किस इलेक्ट्रोड पर चढ़ती है? और आपके सामने कौन कौन सा ऑप्शन है?
ए धन इलेक्ट्रोड पर, बी ऋण इलेक्ट्रोड पर, सी दोनों पर, डी किसी पर नहीं। तो देखिए विद्युत लेपन की जो क्रिया होती है उसमें इच्छित धातु की परत ऋण इलेक्ट्रोड पर चढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप समझिए इसको इस तरह से कि अगर यहाँ पर एक मेरा बैटरी है और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने क्या किया, जहाँ पर विद्युत अपघटन होना है, लेपन होना है, उस घोल में हमने इसे डुबा दिया, यहाँ पर घोल है, लिक्विड है, विद्युत अपघट्य है। अब जैसे विद्युत धारा का प्रवाह इससे होगा तो इस यहाँ पर क्या होगा, जो धातु होगी जिसका हमें लेप चढ़ाना है वह पिघलना शुरू होगा और धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। और चूंकि धातु की प्रकृति धनात्मक होती है तो वह ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा और धीरे धीरे यहाँ पर जा कर के वह जमा होते जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, इस ऋण इलेक्ट्रोड पर उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब हमारा ये काम समाप्त हो जाएगा तो जब हम इसे निकालेंगे तो ऋण इलेक्ट्रोड पर काफ़ी सारा इच्छित धातु का परत जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऋण इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को क्या कहते हैं, और ऑप्शन है ए नींबू का रस, बी बैटरी का पानी, सी विद्युत अपघट्य, डी आसुत जल। तो विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी विद्युत अपघट्य। चलिए हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, और कौन कौन सा ऑप्शन है देखिए, आसुत जल, नल का पानी, सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रश्न में पूछता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है। तो आसुत जल तो विद्युत का चालन करता ही नहीं है, नल का पानी विद्युत का चालन करता है, सिरका भी करता है लेकिन वह वीक एसिड है, वह कमजोर अम्ल है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे काफ़ी अच्छा विद्युत का चालन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए हम देखते हैं अब 15वां प्रश्न, आप देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से विद्युत का हीन चालक कौन है, और ऑप्शन कौन कौन सा है आपके सामने, आसुत जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और टमाटर का रस। देखिए इस प्रश्न में है विद्युत का हीन चालक, हीन चालक का मतलब हुआ कि वह उसमें चालन जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत हल्का होगा। अब ऑप्शन को देखते हैं, आसुत जल इसमें तो चालन होता ही नहीं है, यह तो कुचालक है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें काफ़ी अच्छा चालक होता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे भी काफ़ी अच्छा चालन होता है, टमाटर का रस इसमें चालक, इसमें चालन होता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग चालक नहीं है ये। तो इसका सही उत्तर होगा डी, टमाटर का रस जो है वो विद्युत का हीन चालक होता है। तो क्या इसका उत्तर होगा डी टमाटर का रस। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।